और एक जबरदस्त काम हुआ है पिछले दिनों में, वो है कॉन्टेंट्रा बोल के कंपनी है जो फाइनेंस का ट्रेनिंग करती है, मतलब जो कंपनियां होती है उसमें समझो महिंद्रा एंड महिंद्रा है तो इसमें फाइनेंस में समझो 400 आदमी है तो 400 आदमी का फाइनेंस के ऊपर ट्रेनिंग देना, क्योंकि फाइनेंस का पूरा गेम बदल रहा है। अभी देखो लॉकडाउन के बाद बहुत सारे नई चीजें आने वाली है, GST ये वो सब कैलकुलेशन, तो फाइनेंस वाले परेशान हो जाएंगे। तो फाइनेंस फॉर फाइनेंस पीपल ये हमारा एक प्रोग्राम है, और फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पीपल ये हमारा दूसरा टाइप का प्रोग्राम है। तो स्मार्ट कॉन्टेंट्रा मिलके हम लोग फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। तो जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा दो एरिया में रेवोल्यूशन होगा, एक फाइनेंस में रेवोल्यूशन होगा, एक सेल्स में रेवोल्यूशन होगा। सेल्स में वर्ल्ड के उम्दा सेल्समैन बनाने का प्रयास किया जाएगा, और फाइनेंस में सबसे बढ़िया फाइनेंस ट्रेनिंग का एक जबरदस्त स्मार्ट कंपनी बनता जाएगा। और कॉन्टेंट्रा बोल के जो कंपनी है उसमें भी हम भी डायरेक्टर है, तो कॉन्टेंट्रा इज इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेंस फाइनेंस का ट्रेनिंग देते हैं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस देते हैं, ब्लेंडेड और ऑनलाइन ट्रेनिंग, वीडियो ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वो सभी टाइप का कॉम्बो ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि ऑल डिसीशंस आर फाइनेंशियल डिसीशंस। हमने इंडिया के अंदर फाइनेंशियल फाइनेंशियल लिटरेसी का फ्रीडम मूवमेंट लाने, फाइनेंशियल लिटरेसी मूवमेंट, जैसे गांधी ने एक फ्रीडम मूवमेंट किया उसके बाद हम लोग अभी करने वाले हैं स्मार्ट कॉन्टेंट्रा के माध्यम से। और वो ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी मूवमेंट, बिकॉज ऑल डिसीशंस आर फाइनेंशियल डिसीशंस एंड 75% ऑफ ऑल द डिसीशंस आर टेकन बाय नॉन फाइनेंस पीपल। तो बहुत फाइनेंशियल लीकेजेस हो रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद तो फाइनेंशियल लीकेजेस को तो बहुत ही टाइटली अपने को संभालना पड़ेगा। इसके लिए बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम की फुल तैयारी हो चुकी है, बस लॉकडाउन का खत्म होने का इंतजार है और वो भी लॉन्च कर देंगे। तो ये नया काम चल रहा है, मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, आप कुछ कर सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ बैठ रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कॉम्बो इफेक्ट में मैं ये लंबा सा आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या किया जा सकता है।